हेलो दोस्तों, आज का मैं एक नया नुस्खा आपको बताने जा रही हूँ। प्याज खरीद के लाते हैं। प्याज कभी कभी बहुत महंगी हो जाती है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी प्याज और हमने काटी और पूरी की पूरी वो खराब निकलती है। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जब हम प्याज लेने जा रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम प्याज को ऐसे ऐसे दबा के देखेंगे, आराम से ऐसे ऊपर और नीचे से दबा के देखेंगे दोनों साइड से, अगर वो नहीं दब रही है तो इसका मतलब ये प्याज बिल्कुल ठीक है। अगर प्याज थोड़ी सी भी दबती है तो आप ये समझ लीजिए वो अंदर से खराब है। तो आपको अगर अपने पैसे बचाने हैं तो प्याज लेते वक्त इस चीज का खास ध्यान रखिए कि इसको ऊपर से नीचे से दबाकर देखिए। अगर ये नहीं दब रही है तो इसका मतलब हमारी प्याज बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, हमारी जो डबल गांठ वाली प्याज आती है उसको भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी खराब होने का बहुत संभावना होती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए और ऐसे अच्छे अच्छे नुस्खों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।